दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दी गई बेल आइकन को दबाकर पाते रहें हमारी लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स और न्यूज़ सबसे पहले। हेलो दोस्तों, टेक्निकल पैरामाउंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष सरावत। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं फिर से कुछ हॉट टॉपिक्स और लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज़ अपडेट्स। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज़ निकल करके सामने आती है वो आती है नोकिया 6 की ओर से। नोकिया 6 जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है 10 तारीख को। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर बताए जा रहे हैं और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। दोस्तों, नोकिया 6 जो है इसके दो वेरियंट मार्केट में आए हैं। एक वेरियंट है इसका 32 GB में और एक 64 GB में। 32 GB जो है उसकी कॉस्ट है 14,400 रुपये और जो 64 GB वेरियंट है उसमें उसकी कॉस्ट है लगभग 16,400 रुपये के आसपास। तो दोस्तों, ये दोनों के दोनों ही वेरियंट जो है वो 4 GB रैम में होंगे। इसके जो कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बताए जा रहे हैं। एक कैमरा बताया जा रहा है 16 MP का जो कि है रियर कैमरा। दूसरा कैमरा बताया जा रहा है 8 MP का जो कि है फ्रंट और सेल्फी कैमरा। दोस्तों, फ़ोन की जो है 5.5 इंच की डिस्प्ले है। नोकिया 7.1.1 नोगट जो है उस एंड्रॉयड वर्जन पर काम करता है। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि 2.2 GHz पर काम करता है। दोनों ही वेरिएंट जो है वो 4 GB रैम में है और जो है इनकी स्टोरेज जो है आप बढ़ा सकते हैं 128 GB तक। इसके अलावा जो है इसके अंदर 4G फीचर दिया गया है और दोस्तों इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। तो हो सकता है ये मार्केट में मचा दे धूम। हालांकि इसके जो कैमरे हैं वो लगता है के पहले जैसे ही नोकिया के जिस तरीके के कैमरे रहते थे उसी तरह के कैमरे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगली जो न्यूज निकल करके सामने आई है वो आई है माइक्रोमैक्स की ओर से। माइक्रोमैक्स ने भारत 5 प्लस अपना मोबाइल लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत लगभग 5,500 रुपये के आसपास की ही है और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है जो कि आपको बहुत लंबा बैटरी बैकअप देने वाली है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें रैम है इसके अंदर 2 GB की, स्टोरेज है 16 GB का। इसके अंदर अगर बात करें तो 5.2 इंच की डिस्प्ले है। दोस्तों, अगर कैमरे की बात करें तो 8 MP का है रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा है 5 MP का। डुअल सिम है और 4G वोल्टी से लैस है। तो दोस्तों, काफ़ी सस्ता फ़ोन है, इंडियन मार्केट में मचा सकता है धूम। जो हमारे के गांव और कस्बों से रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट हो। दोस्तों, एक ब्रांड है मोबाइल का होनर, HONOR। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड माना जाता है हालांकि पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में इसकी जो है पॉपुलरिटी बहुत कम है। होनर ने अपना ऑनर बैंड A2 करके मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, इसकी जो कीमत है वो मार्केट में 2,500 रुपये के आसपास बताई जा रही है। तो 2,500 रुपये की कीमत में ये बैंड लॉन्च होने वाला है और ये आपकी हार्ट रेट वगैरह और काफ़ी कुछ आपको एसेस देगा अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आप अपनी डेली रूटीन में भी अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं और आप अपनी फिजिकल हेल्थ को और ज़्यादा अपडेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हार्ट रेट कैलकुलेट करने में। और ये बताता है कि आपने एक दिन में कितने फुट स्टेप लिए हैं और ये बताता है कि एक जो आप शेड्यूल लेते हैं एक्सरसाइज का या कुछ भी, तो उसमें एक पूरे शेड्यूल में जब से आप स्टार्ट करते हैं जब से रुकते हैं तो उसका भी एक कैलकुलेशन देता है। और जो है इसके अलावा जो है आपको ये आपके काफ़ी कैलोरी वगैरह के बारे में भी डिटेल देता है। तो दोस्तों, देखते हैं कितना पॉपुलर होता है। MI अपने बैंड पहले ही लॉन्च कर चुका है। MI बैंड के बाद वो एक बार काफ़ी पॉपुलर हुए थे, उसके बाद में अभी MI बैंड देखने को नहीं मिलते इतने ज़्यादा मार्केट में। तो उसके बाद में देखते हैं कि ओनर क्या करता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने शिकायत की है कि उनके मोबाइल फ़ोन पर आ रहे हैं SMS जो कि कह रहे हैं कि 7 जनवरी को जो है आपका सिम बंद हो जाएगा, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, तो आप जो है इसको पोर्ट करा लीजिए दूसरी कंपनी में। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये निहायती स्पाम है। तो इसमें जो है इसके बारे में कुछ ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स नहीं देने की ज़रूरत है और ना ही इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल करके सामने आती है गूगल की ओर से। गूगल इन्वेस्ट कर रहा है अपने $120 मिलियन यानी कि 707 करोड़ रुपये के आसपास चाइनीज जो लाइव वीडियो गेम स्ट्रीमिंग मार्केट है उसमें। तो दोस्तों, चाइना में लाइव वीडियो गेम खेलने वालों की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस चीज़ को देखते हुए गूगल ने अपना काफ़ी बड़ा 760 करोड़ के रुपए अपने इन्वेस्ट करने वाला है चाइनीज मार्केट में। तो दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो है सैमसंग की ओर से। सैमसंग जो है 2018 में अपना पहला फ़ोन लॉन्च करने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी A8। जी हाँ दोस्तों, 6 इंच की डिस्प्ले के साथ जो है इंडियन मार्केट में 10 तारीख में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ और इसके अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर। दोस्तों, दो कोर होंगे, एक कोर करेगा काम 2.2 GHz पर, दूसरा करेगा 1.6 GHz पर। दोस्तों, दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक वेरिएंट्स मिलेगा देखने को 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। दूसरा वेरिएंट देखने को मिलेगा जो है 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मेमोरी स्लॉट लगा सकते हैं और 256 GB तक इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों, 3500 mAh की बैटरी होगी और इसके साथ साथ जो है फास्ट चार्जिंग फीचर इसमें दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा जो है रियर कैमरा होगा इसका 16 MP का और फ्रंट कैमरा जो है वो 16 MP और 8 MP दो सेंसर के साथ आएगा। तो दोस्तों, सैमसंग ने मार्केट में धूम मचाने की कर लिया तैयारी। कीमत हो सकती है लगभग 38,000 के आसपास।
दोस्तों अगली न्यूज निकल करके आती है जियो की ओर से। जियो जो होता है अगले हफ्ते से अपने चार्जेज में कुछ कमी कर सकता है, तो ज्यादा कमी नहीं करने वाला है, लगभग 50 रुपए के आसपास जो है अपने वाउचर्स में कमी करने वाला है।